हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। किसने किया बिपाशा के बाथरूम का वीडियो लीक, रिवील करेंगे हम। क्या सोहा अली खान और कुणाल खेमू है लिव इन रिलेशनशिप में, खुलासा होगा आज। ऋतिक रोशन ने क्यों किया आमिर और शाहरुख को कॉपी, राज खोलेंगे हम। हेमा मालिनी ईशा को लेकर पूछे गए किस सवाल पर हो गई आग बबूला, दिखाएंगे आपको। कटरीना को सलमान के साथ डिनर के लिए पूरी करनी है कौन सी शर्त, रिवील करेंगे आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं बिपाशा बासु से। इंटरनेट पर लीक हो गया है बिपाशा का एक वेरी पर्सनल वीडियो। ये वीडियो है उनके बाथरूम का। इस वीडियो के लीक होने से काफी अपसेट है बिपाशा। क्या है इस वीडियो में, चलिए आपको भी बताते हैं। एक वीडियो ने उड़ा दी है बिपाशा की नींद। एक वीडियो को देखकर बिपाशा हो गई हैं परेशान। ये वीडियो है बिपाशा के बाथरूम का, जो अब लीक हो चुका है इंटरनेट पर। इस वीडियो के लीक होने से बिपाशा इतनी अपसेट हुई कि उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी जाहिर की अपनी नाराजगी। इंटरनेट पर लीक हुए बिपाशा के इस बाथरूम वीडियो में आखिर क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो है 7 जनवरी यानी बिपाशा की बर्थडे नाइट का, जब वो मना रही थी अपने घर में अपना बर्थडे। ये वीडियो उसी पार्टी का है जिसमें बिपाशा के साथ हैं उनके कुछ खास दोस्त और उनकी फैमिली। बिग ने इस पार्टी को लोगों और मीडिया की नजर से छिपा कर रखने की पूरी कोशिश की थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे इस पार्टी में गिने चुने लोग ही आए थे। आफताब शिवदसानी, सिकंदर खेर, जैकी भगनानी, अभय देओल और बिप्स के एक्स बॉयफ्रेंड मिलन सोमन जैसे कुछ स्टार्स भी इस पार्टी में हमें नजर आए थे। सबको लगा था शायद कि बिपाशा की ये पार्टी उतनी रॉकिंग नहीं है, लेकिन अब उनकी इस पार्टी का वीडियो हो गया है लीक, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बर्थडे नाइट पर बिपाशा ने क्या क्या किया। इस वीडियो क्लिप में बिपाशा केक काटती हुई दिख रही है तो मिलन सोमन के साथ डांस भी करती दिख रही है। लेकिन जिस चीज को देख कर बिपाशा सबसे ज्यादा नाराज हुई, वो था उनकी फ्रेंड के साथ बाथरूम डांस। जी हाँ, इस पार्टी में मौजूद अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बिपाशा ने बाथरूम में जाकर किया था डांस। वीडियो लीक होने से वो इतनी अपसेट हुई कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, आई एम स्टिल शॉक्ड दैट माय प्राइवेसी हैज बीन इनवेडेड, दीज वर प्राइवेट मोमेंट्स फ्रॉम माय बर्थडे दैट वर लीक्ड एंड आई एम वेरी अपसेट। आगे उन्होंने ये भी लिखा, Just because we are actors doesn't mean we are not entitled to our privacy. These troublemakers should just get more productive with their time. खैर बिपाशा, हम समझ सकते हैं आपकी नाराजगी। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगली बार जब आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ऐसी कोई पार्टी करें तो फिर पार्टी में मोबाइल्स और कैमरा पहले ही बैन करवा दें, वरना ऐसे वीडियोस तो आते ही रहेंगे। फसलमा खान, जूम मुंबई। क्या सोहा और कुणाल खेमू है लिव इन रिलेशनशिप में, इस खबर में कितना सच है और कितना झूठ, सोहा ने जूम पर दे दिया है इस सवाल का जवाब। क्या सोहा अली खान अपने बॉयफ्रेंड कुणाल खेमू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है? वेल, मीडिया में इनके लिव इन के रूमर्स तो कब से फैल रहे हैं। अब जब सोहा से हम मिले तो उनसे ये सवाल पूछना तो लाजमी था कि क्या सच में वो कुणाल खेमू के साथ रहती है। तो सुनिए कितना विटी रिप्लाई दिया सोहा ने। No, I love reading about myself and my life in the papers. I think in media log bahut bechaini se intezar karte hain, ya to breakup ke liye, ya to makeup ke liye, ya to kuch aur ke liye. Aur jab sab kuch aapke samne ho hi raha hai to fir kuch fictionalize bhi ho jata hai. तो अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है सोहा, हमें जवाब मिल गया कि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है कुणाल के साथ, पर ये तो बताइए आपकी और कुणाल की शादी कब होगी? वेडिंग्स तो होपफुली आवर फैमिली विल प्रोवाइड यू विद वन वेडिंग इन 2012, दैट शुड बी एनफ फॉर नाउ। एक बार फिर से सोहा ने दे दिया घुमा फिराकर आंसर, पर एटलीस्ट इससे ये बात तो साबित हो गई कि इतना श्योर है दैट सैफ अली खान और करीना की शादी 2012 में हो ही जाएगी। अब जब सोहा आपने ये बता दिया है कि आपके भाई की शादी होने वाली है तो वेडिंग मंथ भी बता दीजिए। एक्चुअली मंथ मुझे खुद पता नहीं, मुझे सिर्फ पता है कि एजेंट विनोद 23rd March रिलीज होने वाली है, वो पक्का है, और उसके जल्द बाद ही
शादी होने वाली है। चलिए आपने इस बार तो एटलीस्ट सही सही जवाब दिया। आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता पर इतना कंफर्म हो गया है कि पोस्ट एजेंट विनोद रिलीज जल्द ही अनाउंस की जाएगी सैफ और करीना की वेडिंग डेट। वैसे सोहा, भले ही करीना और सैफ खुद कभी भी मीडिया में शादी के बारे में बात ना करें पर आप हमेशा हमें टाइमली अपडेट्स देती रहती हैं। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। ऋतिक शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट में है ये तो हर कोई जानता ही है, लेकिन अब ऋतिक चलने लगे हैं SRK के नक्शे कदम पर। वो करने लगे हैं उन्हें कॉपी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भी देखिए। ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर एक नहीं बल्कि काटे कई सारे केक। ये देखिए कैसे ऋतिक अपने घर पर एक के बाद एक केक काटते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, उन्होंने ये सब किया शाहरुख खान की वजह से। ऋतिक रोशन इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं शाहरुख खान का कैंप, ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कैसे करने लगे हैं शाहरुख को कॉपी भी। दरअसल जल्द ही रिलीज होने वाली है ऋतिक की फिल्म अग्निपथ। अब अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बर्थडे से अच्छा मौका भला क्या होगा। इसलिए अपने फिल्मी करियर में पहली बार ऋतिक ने इनवाइट कर लिया पूरी मीडिया को अपने घर। अपने ठीक पीछे सेट करवा दिया अग्निपथ का पोस्टर और फिर कैमरा के सामने काटा अपना केक। लेकिन हम आपको बता दें कि ये ट्रिक है शाहरुख की काफी फेवरेट। इस ट्रिक को इस्तेमाल शाहरुख कई बार कर चुके हैं। ज्यादा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान का लास्ट बर्थडे तो आपको याद होगा ही। खुद देखिए उन्होंने कैसे अपने बर्थडे पर रावण को प्रमोट किया था। कुछ ऐसा ही शाहरुख ने किया था माय नेम इज खान के रिलीज से पहले भी। लगता है ऋतिक भी अपने दोस्त किंग खान से इंस्पायर हो चुके हैं, इसलिए इस बार अपना बर्थडे कर दिया अग्निपथ के नाम। लेकिन ऋतिक, इस जन्मदिन पर आपने अग्निपथ को प्रमोट करने के अलावा अपने लिए कोई विश मांगी या नहीं? इस लाइफ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रियली इज हेल्थ। तो अगर आपके पास हेल्थ ना हो देन यू रियली कांट एंजॉय एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। तो आई विश फॉर माई सेल्फ, फॉर माई किड्स, फॉर माई फैमिली, फॉर ऑल ऑफ यू। वैसे इस बर्थडे पर ऋतिक ने अपने फैंस और फैमिली को एक खास गिफ्ट भी दिया। क्या है वो गिफ्ट? वेल, ऋतिक से ही सुन लीजिए। अमेजिंगली यू नो, आफ्टर 2.5 weeks ऑफ जस्ट स्टॉपिंग द स्मोकिंग, माय स्किन चेंज्ड, माय हेल्थ बिकेम बेटर, आई फेल्ट सो गुड। ऋतिक ने अपने जन्मदिन पर सलमान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रही सारी खबरों पर भी लगा दिया फुल स्टॉप। उन्होंने बता दिया कि रियलिटी शो को लेकर उनके और सलमान के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नहीं, नहीं, बिग बॉस के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई थी। इशू वाज नॉट इवन डिस्कस्ड और इट वाजंट एन इशू इन माय माइंड एट ऑल। आई डिडंट हियर ऑफ इट अंटिल आई रेड अबाउट इट। चलिए ऋतिक, अब आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है, आपने स्मोकिंग भी क्विट कर दी है और सबसे बड़ी बात, सलमान के साथ आपकी दुश्मनी की खबर भी गलत निकली। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये बर्थडे आपके लिए है काफी लकी। अब बस इंतजार है आपके बर्थडे गिफ्ट का, जो हमें यकीन है अग्निपथ के रिलीज होते ही आपको मिल जाएगा। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। ईशा देओल को लेकर पूछे गए एक सवाल पर हेमा मालिनी हो गई गुस्सा और बिना जवाब दिए वहां से चलती बनी। क्या था वो सवाल जिस पर हेमा हो गई नाराज, आप भी देखिए। आपने एक प्रॉमिस किया था मीडिया के सामने कि अगर खुदा हिट नहीं होगी तो आप आपके ईशा को मैरिड करा दोगे, तो व्हाट इज द दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन। अरे ये क्या हेमा जी, आप तो रिपोर्टर का सवाल सुनकर नाराज होकर चलती बनी। वैसे ऐसा क्या पूछा था रिपोर्टर ने जिसे सुनकर हेमा मालिनी के तेवर ही बदल गए? चलिए हम आपको जरा डिटेल में बताते हैं। आपने एक प्रॉमिस किया था मीडिया के सामने कि अगर हिट नहीं होगी तो आप आपके ईशा को मैरिड करा दोगे, तो व्हाट इज द दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन। दरअसल रिपोर्टर ने हेमा जी से सिर्फ इतना पूछा था कि क्या वो अब ऐशा देओल की शादी का प्लान बना रही हैं, क्योंकि ये बात तो खुद उन्होंने ही कही थी कि अगर ऐशा की फिल्म टेल मी ओ खुदा फ्लॉप हो गई तो वो अपनी बेटी को एक्टिंग से रिटायर करके उसके हाथ पीले कर देंगी। अब टेल मी ओ खुदा का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ उसकी डिटेल हमें आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। हेमा जी भले ही इस फिल्म में सलमान, शाहरुख और अक्षय जैसे स्टार्स को जोड़कर कुछ मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब फिल्म में ही दम नहीं होगा तो ये दमदार स्टार्स बेचारे क्या कर सकते थे। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर निकल गया दिवाला।
उसके बाद से ऐशा और मम्मी हेमा जी भी हो गई अंडरग्राउंड। अब जब हेमा जी से रूबरू होने का मौका मिला तो हमने पूछ ही लिया कि क्या उन्होंने ऐशा की शादी के लिए एक सूटेबल बॉय की तलाश शुरू कर दी है, तो हेमा जी हो गई खफा। आपने प्रॉमिस किया था मीडिया के सामने कि अगर खुदा हिट नहीं होगी तो आप आपके ईशा को मैरिड करा दोगे, तो व्हाट इज द आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन फॉर हार्दिक तन्ना Zoom मुंबई। अगर कटरीना को जाना है सलमान के साथ डिनर पर तो उन्हें पूरी करनी होगी एक शर्त। सलमान ने कटरीना से क्या करने के लिए कहा? Well, watch in our next story. सलमान कटरीना की लव हेट लव रिलेशनशिप अब हो गई है कुछ स्मूथ। दोनों के बीच हो रही है दोस्ती, और यही नहीं, अब ये दोस्ती जा सकती है इस लेवल से आगे। Zoom के सोर्सेज ने रिसेंटली बताया कि सलमान लेके जाने वाले हैं कैट्स को एक स्पेशल डिनर डेट के लिए, अ क्वाइट कोजी डिनर जस्ट फॉर द टू ऑफ देम। इससे पहले कि आप कुछ और सोचने लगे, हम बताएंगे आपको इस डेट के पीछे का राज। एक था टाइगर की स्क्रिप्ट में लिखा गया एक बहुत इमोशनल इंटेंस सीन। सलमान और डायरेक्टर कबीर खान दोनों ही इस सीन को लेकर है परेशान। माना जा रहा है कि इस सीन पर टिकी है पूरी फिल्म की स्टोरी। एंड द सीन इज सो हाई ऑन इमोशंस कि कटरीना को निभाना होगा ये सीन विद परफेक्ट प्रिसिजन। जब सलमान और कटरीना के सामने ये सीन नरेट किया गया तब उन्होंने रख दी कैट्स के सामने एक बैग। सलमान सेड दैट इफ कटरीना कैंस द सीन इन वन टेक तो वो उन्हें लेके जाएंगे ऑन अ स्पेशल डिनर डे। कैट से एक्टिंग निकलवाने का ये अच्छा तरीका है, पर संभाल के सल्लू, कहीं चिकनी चमेली इस बैग से स्लिप हो गई तो नुकसान आप ही के सीन का होगा। फॉर निहित भावे, Zoom मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वीना मलिक ने क्यों कर दिया 3 इंटरनेशनल मैगजीन के लिए फोटो शूट करने से इनकार। रिसेंटली हमें पता चला कि वीना मलिक ने 3 इंटरनेशनल मैगजीन के लिए फोटो शूट करने से कर दिया है मना। ये मैगजीन्स उन्हें बड़ा अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार थी। फिर क्या वजह थी वीना के इनकार की? वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पाकिस्तानी बॉम्बशेल वीना मलिक ने शायद सीख लिया है अपने पास्ट इंसिडेंट से सबक। रिपोर्टेडली वीना को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 इंटरनेशनल पब्लिकेशन से आए थे एक हॉट फोटोशूट के ऑफर, लेकिन 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 वीना ने इन्हें ठुकरा दिया है। रीजन अब तक आप भी समझ गए होंगे। एक इंडियन मैगजीन पर जब वीना का नूड फोटो छपा तो उन्हें इस अवतार के लिए काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यहाँ तक कि वीना को कुछ दिनों के लिए एक होटल में जाकर छिपना भी पड़ा। अब ये खबर आई है कि उन्हें सन यूके, प्लेबॉय और जू मैगजीन ने इसी तरह के हॉट बोर्ड एंड न्यूड फोटोशूट के लिए किया है अप्रोच, लेकिन इन टॉप इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को वीना ने दे दिया है रेड सिग्नल। सोर्सेज के मुताबिक अब मैगजीन के लिए न्यूड नहीं होना चाहती है वीना। ऑलरेडी विवादों के भंवर में फंसी वीना के इस कदम से इतना तो तय है कि पाकिस्तान का ये बॉम्ब अमेरिका और यूके में गिरते गिरते बच गया। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom मुंबई। प्रियंका भले ही कटरीना के चिकनी चमेली सॉन्ग की खूब तारीफ कर रही हो, लेकिन लगता है कटरीना को इस सॉन्ग के लिए फरारी कार मिलने से वो ज्यादा खुश नहीं है। तभी तो उन्होंने कह दिया कि उनके लिए फरारी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिल्म की सक्सेस। कटरीना के इस फिल्म में आने से और अग्री करने के से चिकनी चमेली करने के लिए 4 चांद लगे हमारी फिल्म को। पहले प्रियंका ने खुद की कटरीना की तारीफ, पर अब शायद वो है खफा करण जौहर से। जी हाँ, प्रियंका से जब हमने पूछा कि जैसे कटरीना को चिकनी चमेली जैसा हिट नंबर देने के लिए मिली है फरारी एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, तो आप तो फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, आपको क्या चाहिए एज अ गिफ्ट? मुझे बस एक हिट फिल्म चाहिए, मुझे बस एक ऐसी फिल्म चाहिए जिसको लोग पसंद करें और सराहें, एंड दैट्स इनफ फॉर मी। सुना आपने, प्रियंका को तो सिर्फ एक हिट फिल्म चाहिए, कोई फरारी या SUV नहीं। क्या प्रियंका ये कहना चाहती थी कि कटरीना ने उनकी फिल्म में केवल एक आइटम नंबर किया है और अगर ये फिल्म हिट हो गई तो उसका फायदा केवल उन्हें ही मिलेगा? मुझे बस एक हिट फिल्म चाहिए। Well, प्रियंका, हम तो मटेरियलिस्टिक गिफ्ट की बात कर रहे थे, लगता है हमें सच में करण से ही पूछना पड़ेगा। आपने करण से ये बात पूछा? प्रियंका भले ही कटरीना के गिफ्ट पर ज्यादा ना बोली हो, लेकिन जब हमने उनके रोल के बारे में पूछा तो देखिए कैसे उन्होंने दे दी पूरी डिटेल। काली काली माँ के ऊपर नाम रखा गया है मेरे कैरेक्टर का, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल है।
जो हर मुश्किलों में भी हंसती रहती है और स्माइल करती है, तो वो बहुत अच्छी बात है काली के कैरेक्टर में। वैसे हम इसे प्रियंका का स्मार्ट मूवी कहेंगे, भला वो अपनी फिल्म का फुटेज कटरीना की चिकनी चमेली को क्यों देंगी। फॉर कीर्ति तरंग, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अभिषेक बच्चन ने क्यों किया एक अवार्ड के नॉमिनेशन से अपना नाम आउट। अभिषेक बच्चन ने एक अवार्ड के नॉमिनेशन से कर लिया है अपना नाम आउट। उन्होंने दूसरे स्टार्स को बता दिया अवार्ड का हकदार। कहा कि अभिषेक ने ये ऑनेस्ट कन्फेशन, चलिए आपको भी दिखाते हैं। जी हाँ, कुछ ही दिनों में सजने जा रही है साल की सबसे बड़ी अवार्ड्स नाइट। 57th फिल्म फेयर अवार्ड्स के इस इवेंट में अभिषेक ने अवार्ड्स को लेकर हर स्टार के मन में होने वाले एक्साइटमेंट को भी रिवील करने की कोशिश की। Let me explain to you what goes through an actor's mind when the nominations come on. When you know you've been nominated, the nominations come on and suddenly everything goes blank. And there's no more sound, like, you know, in the films when you and you're just anticipating and your heart doesn't start beat, it just stops. चलिए अच्छा यही बता दीजिए कि फिल्म्स को ऑडियंसेस से बॉक्स ऑफिस पर जो अवार्ड मिलता है उसमें और फिल्म फेयर की अवार्ड्स नाइट में क्या कनेक्शन है? You know, we must understand one thing about the film fair, which I've seen people sometimes get into a negative connotation. Film fair is very clear. It's a popular award. All right. When they say it's a popular award, means based on the amount of popular votes. That is not a comment on somebody's creativity or on somebody's performance. It is what the audience has chosen. So as an audience, aap bhi bata dijiye ki is saal kaun le ja sakta hai film fair ki Black Lady in the best actor category. I think people have done some great work. I thought Ranbir was sensational in Rockstar. I think his performance was wonderful. I thought all three, Abhay, Ritik and Farhan, were great in Zindagi. I thought Ajay was outstanding in Singham. दाद देनी पड़ेगी अभिषेक आपकी ऑनेस्टी की। रणबीर से लेकर अजय देवगन तक सबके नाम गिनवा दिए आपने, पर अपने बारे में कुछ नहीं कहा। वैसे तो अभिषेक 3 बार फिल्म फेयर की ब्लैक लेडी अपने नाम कर चुके हैं, पर ऐसा भी क्या अभिषेक की अपना ही जिक्र करना भूल गए? मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने अच्छी एक्टिंग की है। अभिषेक जरा संभल के, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉडेस्टी को लोग कन्फेशन भी समझ लेते हैं। इसीलिए जरा सच सच बताइए, कैसे लगते हैं अवार्ड्स और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जीत और हार? We in the film industry are very bad losers. अगर हम जीते नहीं तो it's not fair. If we win, best man won. ये हुई ना बात, यानी अभिषेक ने इस अवार्ड नाइट के अनाउंसमेंट पर बता ही दिया कि हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के डर से प्लेयर्स खेलना बंद नहीं करते। सलमा खान, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.